दोस्तों ये है मेरी रिंग लाइट, ये हो गई है ख़राब। आज सुबह आके चला के देखा तो ये ऑन नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए इसकी वीडियो बना दूं, इसको ओपन करके दिखा दूं इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं ताकि आप भी देख लें इस रिंग लाइट में होता क्या है। तो इसको हम ओपन करते हैं, सबसे पहले फ्रंट साइड से इसको खोल लेते हैं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसको यहाँ से ये जो वाइट और ब्लैक वाला हिस्सा ना इसको अलग करेंगे। तो सबसे पहले इसको चिपका हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से, मैं पेचकस का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन दोस्तों हाथों का ध्यान रखना, कोई चोट नहीं लगा लेनी आपने। ये देखिए मैंने यहाँ से पेचकस डाला तो ये खुल गई। देखो ये देखिए इसमें लॉक लगे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए लॉक खुल गया ना, ये लॉक लगा हुआ है इसके अंदर, आप देख रहे हैं ना। ऐसे ही मैं इसको खोलता हूँ, आप देख रहे होंगे वीडियो में कुछ लाइटिंग कम लग रही है मेरी, क्योंकि ये रिंग लाइट मेरी ख़राब हो गई ना। ये दोस्तों देखिए ये इसी तरह धीरे धीरे आप इसको खोलेंगे। तो देखिए साथियों ये तो हो गया इसका ऊपर का कवर, ये देखिए इसके अंदर क्या लगा हुआ है, LED लगी हुई है, एक वाइट LED लगी हुई है, एक ऑफ वाइट LED लगी हुई है। जब हम वाइट करते हैं तो वाइट जलती है, जब खाली ऑफ वाइट जलाते हैं तो खाली ऑफ वाइट जलती है, जब दोनों कर देते हैं थोड़ी मध्यम रोशनी बीच की आती है दोनों की। ये तो हो गई हमारी लाइट, ये सिंपल LED सर्किट लगा हुआ है जिसके बीच में ये रेजिस्टेंस दे रखी हैं। ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट चेक करता हूँ। इस पर लिखा हुआ 1R8, मतलब 1.8 ओम की रेजिस्टेंस है ये, बीच बीच में लगी हुई है 1.8 ओम की रेजिस्टेंस, 1R8। 1 का मतलब एक, R का मतलब हो गया डॉट, और 8 का मतलब होगा 8, मतलब 1.2 ओम की रेजिस्टेंस है ये। आपको नाप के भी दिखा देता हूँ मैं, ये हमारा मीटर है, इसको रखेंगे हम 200 ओम की रेंज में, और यहाँ से नाप के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों नाप रहे हैं रेजिस्टेंस हम, देखिए यानी 0.6 ओम बता रहा है ये, क्योंकि सर्किट में लगी हुई है ना इसलिए कम बता रहा है, वैसे चेक करेंगे तो पूरी बताएगा 1.8 ओम। देखिए यहाँ 2 ओम बता रहा है ये, इसमें डायोड पे ये 1 ओम 2 ओम बता रहा है। तो ये तो हो गया, अब सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लगाते हैं अपने 5 वोल्ट की सप्लाई, इसको दे देते हैं। ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई भी ऑलरेडी बनी हुई है। तो साथियों अब हम इस लाइट को चेक कर लेते हैं, सबसे पहले अपना बोर्ड ऑन करते हैं। देखिए बोर्ड में लाइट आ गई, अब इसको लगाता हूँ मैं, और हमारी लाइट नहीं आई है दोस्तों, देखिए ऑन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको खोलने के लिए देखिए ये निशान दिख रहा है ना आपको, बड़े ध्यान से आप इसको खोलेंगे जिस तरह से रिंग लाइट खोली वैसे ही। ये मैं ओपनर ले लेता हूँ, जैसे कि आपने मेरी और वीडियो में देखा होगा मैं इस ओपनर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ, ये हमारे नाखून की जगह काम करता है। तो मैं इसको यहाँ लगा के दोस्तों इसको खोलता हूँ, क्योंकि हाथ में रख के खोलने में प्रेशर पूरा नहीं लगता। देखिए दोस्तों ये खुल गया, और इसका बोर्ड हम निकालेंगे और ये देखेंगे इसका बोर्ड इसमें है क्या। ये देखिए साथियों इस बोर्ड में एक IC लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। इस बोर्ड में एक IC लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, एक IC हो गया, 2 ट्रांजिस्टर हो गए, ये IC कंट्रोल का काम करता रहे, ये ट्रांजिस्टर आगे सप्लाई पास करते हैं। अब इसमें हम नाप लेते हैं वोल्टेज के कितनी वोल्ट आ रही है। सबसे पहले मीटर को रखेंगे हम 20 वोल्ट की रेंज में, तो यहाँ देखते हैं पहले हमारी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही। यहाँ देखा नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाया, तो साथियों यहाँ आ रही है 5.2 वोल्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं 5.2 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ 2.8 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारा IC है ये सप्लाई प्रॉपर तरीके से पास नहीं कर रहा। क्योंकि इसमें पॉजिटिव तो डायरेक्ट नेगेटिव ही कंट्रोल हो रही है सारी,
तो दोस्तों ये जो है हमारा आईसी ये ख़राब हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा आईसी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको डायरेक्ट कर देते, क्योंकि मुझे सिर्फ वाइट पोर्शन ही चाहिए, वाइट एलईडी चाहिए, सिर्फ वाइट यूज़ करता हूँ। यदि आपको ऑफ वाइट भी यूज़ करनी है तो आप इसमें एक स्विच लगा सकते हैं, स्विच के कनेक्शन में आपको समझा देता हूँ कैसे होंगे। जैसे कि मुझे सिर्फ वाइट चाहिए तो मैं वाइट के हिसाब से कनेक्शन इसके डायरेक्ट कर देता हूँ, आप देखेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों अब मैं आपको ये लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये चिमटी से पकड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि 5 वोल्ट का करंट नहीं लगेगा। ये देखिए ये हमारी वाइट जल गई, ठीक है। अगर हमें इस पर कनेक्ट करेंगे वाइट वाले पॉइंट पर तो ये ऑफ वाइट हो गई, और यहाँ तो कर आई सप्लाई, ब्लैक पर लगाइए या वाइट पर लगाइए, ठीक है। अब ये वाइट पे मैं लगा देता हूँ तो ये वाइट चलती रहेगी, देखिए दोस्तों। ये आपको बीच की चाहिए ना, जैसे मध्यम, हल्की पीली और हल्की सफ़ेद, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे, एक स्विच लगा दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, देखिए ये तीसरा वाला इफेक्ट इन दोनों को जलने से आता है। अब ये दोनों जल रही हैं तो तीसरा इफेक्ट आ गया, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए। तो अब मुझे सिर्फ वाइट चाहिए, तो मेरी रिंग लाइट ठीक हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको नई नई तरीके सिखा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी मैं वीडियो बनाना चाहूँ। अगर आप भी किसी विषय में वीडियो चाहते हैं बनवाना, या चाहते हैं भी कोई जानकारी मुझे मिल जाए, तो मैं वो जानकारी आपको दूंगा और आपके हिसाब से वीडियो बना के दूंगा मैं आपको। तो इस रिंग लाइट को मैं फिट कर देता हूं दोस्तों, ये रिंग लाइट मेरी हो गई है फिट। और एक चीज़ मैं और बता देता हूं आपको, देखिए अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि आप ये रिंग लाइट देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें अलग से लगी हुई हैं, देखिए इसमें, ये देखिए, ये ऑफ कर देता हूँ। देखिए इसमें मैंने ये एक स्टैंड लगा रखा है मोबाइल के लिए, एक दूसरा स्टैंड ये लगा रखा है मोबाइल के लिए। यहाँ पे मैं क्या है, बॉल हेड जो होता है ना उसको कस देता हूँ, और ताकि मैं कभी कैमरा यहाँ लगा लेता हूँ, फ़ोन कभी यहाँ लगाता हूँ, अपनी वीडियो के हिसाब से। तो अगर आप भी ऐसे ही बनाना चाहें तो आप भी चिपका सकते हैं। ये मैंने जो है ना एलपी से, यानी सुपर ग्लू से चिपकाया हुआ है एलपी से, और ऐसे ही इसको चिपकाया हुआ है। ये तो इसी के साथ आया था, ये मैं अलग से लगाया है, ये इसके साथ आया था, डंडी इसमें लगी हुई थी, तो वो मैंने काट के इसको प्लेन करके इसको चिपका दिया। तो आप भी ऐसे ही अपनी रिंग लाइट अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये पॉइंट जो है मैंने दोस्तों माइक को क्लिप करने के लिए लगा, इसमें क्या होता है मैं ये जो है ना माइक इसमें ऐसे क्लिप कर देता हूँ, जैसे कई बार कोई कस्टमर आया था तो बात करते करते इसमें लगा देता हूँ, और कई बार मैं इसी पे लगा के रिकॉर्ड कर लेता हूँ, देखिए। अच्छा दोस्तों ये वीडियो आपको मेरे ख्याल से अच्छी लगी हुई है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अपने किसी दोस्त को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। धन्यवाद।